आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा इलाहाबाद से राजी की खास खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोराव विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन एक अपवित्र गठबंधन है। उन्होंने कहा कि अपवित्र इसलिए कि इन दोनों सरकारों ने अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है, विकास से इनका कोई वास्ता नहीं रहा। अगर इन सरकारों ने विकास किया तो कुछ गिने चुने जिलों में। योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सरकार बनाती है तो बड़े आश्चर्य की बात है कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को डुबोने का कार्य इस चुनाव में प्रदेश की जनता करने जा रही है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है और अगर बचाने वाला प्रशिक्षित नहीं है तो डूबना। उन्होंने कहा कि विकास का एक अपना नजरिया होता है। प्रदेश में जब से सरकार बनी है पिछले 11 महीने के दौरान सरकार दिन रात एक करके सबसे गरीब वर्ग तक योजना को पहुंचाने का कार्य कर रही है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी और इन दोनों के गठबंधन से और स्पष्ट हो गया है कि यह सिर्फ विकास के विरोधी है। इस बात का दावा किया कि फूलपुर में चल रहे चुनाव में बसपा, सपा और कांग्रेस के साथ में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद भी साथ हो जाए तो भी विकास का कमल खिलने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि विकास और सुशासन का प्रतीक कमल है जिसे जनता अपने बीच खिलाना चाहती है। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।